हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईवी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज ऑलवेज आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईवी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज द केवीआईसी रोल्ड आउट अ यूनिक प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाम गुड। गुड इन इंग्लिश इज नोन एज जैगरी विच इज एक्सपेक्टेड टू हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। नीरा हैज हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल बाय। सो क्वेश्चन हमारा यह है कि केवीआईसी ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाम गुड, ओके, जिसका एक बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल है टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड नीरा का बहुत ज्यादा हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, ऐसा क्यों? ऑलराइट, सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाम गुड विच हैज बीन रोल्ड आउट बाय केवीआईसी इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है। इट इज अलाइंड विद प्राइम मिनिस्टर्स कॉल ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर एंड वोकल फॉर लोकल। इट एम्स टू प्रमोट नीरा एज अ सब्स्टिट्यूट टू सॉफ्ट ड्रिंक्स अलॉन्ग विद जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आदिवासी एज वेल एज ट्रेडिशनल ट्रैपर्स। जो नीरा है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूट टू सॉफ्ट ड्रिंक्स अलॉन्ग विद जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स? So, जो इंडियन स्टेट है महाराष्ट्र इज होम टू मोर देन 50 लाख पाम ट्रीज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाम ट्रीज बिकॉज ये जो नीरा है ये पाम ट्रीज से ही मिलता है, ओके, पाम ट्रीज से ही ये प्रोड्यूस होता है। एज द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट केवीआईसी डिस्ट्रीब्यूटेड टूल किट्स वर्थ ₹15,000 टू 200 लोकल आर्टिसन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नीरा एंड मेकिंग पाम गुड। और जो पाम गुड है वो किससे बनाया जाता है? नीरा का। ये जब नीरा बनता है तो ये उसका बाय प्रोडक्ट होता है, राइट, एंड नीरा किससे बनता है? पाम ट्रीज से, ओके। These artisans were given 7 days training. 7 दिन की इनको ट्रेनिंग दी गई जिनको हमने 15,000 worth rupees के जो किट है वो KVIC ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं टू 200 लोकल artisans. Alright. And Neera is a nutrient-rich health drink consumed in many Indian states and is extracted from the palm trees before sunrise, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. And palm gur is a byproduct of Neera. Alright. Now, what are the future aspects of this project? So there are approximately 10 crore palm trees across the country. A wide range of products like candies, milk chocolates, palm cola, ice cream and other sweets can be produced from Neera if properly marketed. So bahut sari cheeze banayi ja sakti hai from Neera. So isse ek bahut bada business create kiya ja sakta hai. Also Neera has high export potential as it is also consumed in various countries like Sri Lanka, Africa, African continent mein isko kafi zyada consume kiya jata hai, Malaysia, Indonesia, Thailand एंड म्यांमार। सो कुछ कंट्रीज हैं और कुछ पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इसको कंज्यूम किया जाता है, दैट्स व्हाई इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और इंडिया के पास बहुत सारा पाम फील्ड है इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सारे के सारे मिला के इंडिया को, ये सभी स्टेट्स मिला के इंडिया को एक लीडिंग प्रोड्यूसर बना सकते हैं ऑफ नीरा ग्लोबली। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज नीरा हैज हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल बाय। सो दिस इज बिकॉज इट इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड म्यांमार। इन सभी देशों में इसको कंज्यूम किया जाता है जिस वजह से इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो काफी हाई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हेडेड बाय मिस्टर प्रहलाद जोशी लॉन्च्ड सत्यभामा पोर्टल ऑन 15 June 2020। व्हाट इज द एम ऑफ दिस पोर्टल? एक सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है तो इस पोर्टल का एम बताना है। राइट, सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च्ड सत्यभामा और फुल फॉर्म है सत्यभामा की साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इट्स एम इज टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। माइनिंग और मिनरल सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। एंड इट इज ऑल्सो लॉन्च्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की स्कीम है जिसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम, उसकी एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, ओके। एंड दिस पोर्टल हैज बीन डिजाइन, डेवलप एंड इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन। एंड दिस पोर्टल अलाउज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और ग्रांट्स। द रिसर्चर्स कैन ऑल्सो सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इन द पोर्टल। एंड दिस पोर्टल इज इंटीग्रेटेड विद द एनजीओ दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। इस पोर्टल को जो नीति आयोग है उसके एनजीओ दर्पण पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नाउ व्हाट इज दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम? सो अंडर दिस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
provides fund to academic institutions, universities, national institutions, R&D institutions to promote research in mining and mineral sectors for the benefit of its of the nation and its people. And these institutions are those which are recognized with the Department of Scientific and Industrial Research. All right. So that was about the Satyabhama portal. Now let's move on to the question. Question was, what is the aim of this portal? So guys, the aim of the portal is to promote research and development in mining and mineral sector. Mining or mineral sector mein research and development ko promote karna hi iska aim hai. Now let's move on to question number 3. India's first mobile infectious disease diagnostic lab was launched in New Delhi on 18 June 2020 for COVID-19 testing for last mile testing access. It has been created under the National Biopharma Mission by which team? Isko National Biopharma Mission ke tahat create kiya gaya hai kis team dwara? Hame team ka naam batana hai, right? So let us discuss this. So isko launch kiya gaya tha by Union Minister of Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan. His Lok Sabha constituency is Chandni Chowk. He launched India's first mobile eye lab, which is in fact infectious disease diagnostic lab for COVID-19 testing. This was launched in New Delhi on 18th June 2020 and the labs will be provided to the regional or city hubs and they will deploy it further in the interior in accessible parts of the region. Pehle jo city hubs hai wahan pe inko provide karaya jayega aur baad mein inko deploy kiya jayega in the interior and the remote parts of the region. Okay. And it has been created by a team from Andhra Pradesh Medtech Zone Limited under the National Biopharma Mission. It will be deployed in remote, interior and inaccessible parts of the country. It is supported by the Department of Biotech, Ministry of Science and Technology, and it has the capability to perform 25 RT-PCR tests per day, which is for COVID-19, 300 ELISA tests per day, an additional test for TB and HIV as per CGHS rate. And this RT-PCR or ELISA test hai, these have been approved by the ICMR for COVID-19. Which is the ELISA test, this is antibody test. This is the test that you have to know that you have to know that the patient has never had the body mein hai, tha ya nahi tha, with the help of presence of antibodies. Okay, so ELISA test or RT-PCR dono ko approval mili hui hai by the ICMR for COVID-19. Alright, now let's move on to the question. So the correct answer, guys, to this question is what? Option B, Andhra Pradesh Medtech Zone Limited. Andhra Pradesh Medtech Zone Limited is the correct answer. Now let's move on to question number 4. Consider the following statements regarding Garib Kalyan Rozgar Abhiyan launched on 20th June 2020 and identify the option which is not correct. Okay, hame ek aisi statement ko ya ek se zyada option ko dekhna hai jo ki correct nahi hai. So let us discuss about this Abhiyan. So recently Prime Minister launched this massive employment cum rural public works campaign which is named as Garib Kalyan Rozgar Abhiyan. From village Telihar, which is in district Khagadia of Bihar. All right, ek gaon hai Khagadia jile mein, Telihar naam ka Bihar mein, wahan se is abhiyan ko flag off kiya gaya. It aims to empower and provide livelihood opportunities in areas or villages witnessing large number of returning migrant workers affected by the COVID-19. COVID-19 ki wajah se jo migrant workers wapas ja rahe hain, unko kaam dena, unki livelihood opportunities unko dena hi iska aim hai. This campaign will work in mission mode for 125 days aur isme total outlay hai rupees 50,000 crore ka. Iske liye nodal ministry banaya gaya hai, the Ministry of Rural Development ko headed by Narendra Singh Tomar. His Lok Sabha constituency is Morena in Madhya Pradesh. Okay, and 25 work areas have been identified for employment in villages for development of various work. 25 work areas ko identify kiya gaya hai for employment. These 25 works or projects are related to meet the needs of the villages like rural housing for the poor, plantations, provision of drinking water through Jal Jeevan Mission, etc. So, ye sari cheeze is 25 work areas mein, 25 work areas mein include ki gayi hain. And there will also be some infrastructure development like panchayat bhavans, community toilets, rural mandis, rural roads, cattle sheds, anganwari bhavans, etc. Okay. And iske tehet jo kuch fiber cable hai unko bhi le kiya jayega aur fiber cable ke saath saath jo internet hai uska bhi provision isme laya jayega. A total of 116 districts across 6 states, Bihar, UP, MP, Rajasthan, Jharkhand and Odisha have been chosen for this campaign because zyadatar migrant workers in 6 states ke hi hain. These districts are estimated to cover 2/3 of such migrant workers. Aur iske andar 12 different ministries or department ne participant kiya hai, like for example rural development, panchayati raj, road transport and highway. Aur ye sabhi milke coordinate karenge for the implementation of this scheme. Okay. So now what was the question? So the question was, which of the following option is not correct? So Abhiyan was flagged off from village Telihar district Khagadia in Bihar. Yes, this is absolutely correct.
It aims to provide livelihood to returning migrant workers affected by COVID-19. Absolutely correct. 30 work areas have been identified. No, guys, it is not 30. 25 work areas को identify किया गया है. So ये हमारा incorrect option है. Which means the correct answer will be what? Option C, because we have to identify the incorrect option. Okay. Now let's move on to question number 5 and the last question for today. And this is very easy question. ये आप सबको आता होगा. India sent a trial service contingent of how many members to participate in 75th Victory Day Parade of World War II in Moscow, Russia, which is scheduled to be held on June 24, 2020. जो रशिया में, रशिया के मॉस्को में, जो कि उसकी कैपिटल है, वहां पे 75th विक्ट्री परेड डे होगी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. वहां पे इंडिया ने ट्राई सर्विस कंटिंजेंट भेजी है कितने मेंबर्स की. तो हम सब जानते हैं इसका सही जवाब क्या है गाइस, ऑप्शन सी 75. ओके, ऑप्शन सी 75 इज द करेक्ट आंसर. एंड दिस परेड इज ऑर्गेनाइज टू ऑनर द हीरोइज्म एंड sacrifices made by the Russian and other friendly people, and the participation in the parade will be a mark of tribute and solidarity with the people of Russia. All right, और इंडिया ने 75 members भेजे हैं ट्राई सर्विस कंटिंजेंट के टू पार्टिसिपेट इन दिस परेड. ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन टुडे. आई होप यू लाइक इट. फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड गाइज डू लाइक एंड शेयर द सेशन. एंड आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.